व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग के और अगले वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ मार्वल एवेंजर्स गेम इन माय लोवेल लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल G16 लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ मार्वल एवेंजर्स गेम और देखूँ कि आप लोगों को मुझे कितना पैसा मिलेगा। गाइस, अगर आपका ही मेरा जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितना पैसा मिलेगा इन दिस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना है। और गाइस, अगर आपको मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट की रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पैसा मिल सकता है इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते हैं, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा है ग्राफिक पे, जिसकी कौन से ग्राफिक से मैं इस गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने जो रेजोल्यूशन है 1280x720 है, फुल स्क्रीन ऑन है, वीजिंग मैंने ऑफ रखा है, एंटी अलाइजिंग ऑफ है। अभी मैं जाऊँगा ग्राफिक सेटिंग्स पे, तो ग्राफिक सेटिंग्स पे मैंने लोएस्ट सेटिंग्स मतलब जितना हो सके लो सेटिंग्स में मैंने करके रखा है। तो सिंपली 720p लो सेटिंग्स में मैं इस गेम को टेस्ट करूँगा, दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना पैसा मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैंने जो है कैंपेन मोड को स्टार्ट कर दिया है, बट मुझे बेसिकली कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू मिल रहा है, मतलब कटसीन्स वगैरह होने के बाद जो है गेम जो है क्रैश हो रहा है, मतलब गेम कटसीन्स होने के बाद गेम जो है मेन गेम पे नहीं जा रहा है। आप लोग देखोगे कि कटसीन्स वगैरह सब सही से चल रहा है, बट उसके बाद जब मेन गेम पे जाना होता है उसमें जो है गेम जो है क्रैश हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है गेम पे। ये जो सीन आप लोग देख सकते हो ये सीन हो रहा है, बट उसके बाद जो है गेम क्रैश हो रहा है, मतलब उसके बाद ये फुल्ली सीन होने के बाद गेम क्रैश हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे आगे की गेम में कोई प्रोग्रेस होता है या फिर नहीं होता है या फिर गेम क्रैश होता है। इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि अगर गेम ठीक ठाक से चल जाए या फिर क्रैश हो जाए तो भी आप लोग वीडियो में आगे देख सकते हो। तो गाइस, दिस गेम मतलब जो है गेम फिर से क्रैश हो गया, मतलब वो जो सीन था वो सीन हुआ, फिर फुल्ली जो स्टोरी लाइन चला, फिर गेम में जो है ब्लैक स्क्रीन हो गया कुछ 30 सेकेंड्स ब्लैक स्क्रीन चला, फिर जो है गेम क्रैश एंड वो होम मतलब मेरे जो है विंडोज़ का होम स्क्रीन पे आ गया। तो बेसिकली मुझे पता नहीं कि वो गेम नहीं चला, हो सकता है मतलब इससे भी ज़्यादा गेम जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो भी गेम मेरे स्पेसिफिकेशन पे चल गया। मतलब मैंने जब मेरे पुराने ड्राइवर में मैंने जब गेम नहीं चला था, बहुत बार मैंने ट्राई किया तो नहीं चला, तो मैंने नया जो है वो न्यू ड्राइवर जो है मैं डाउनलोड किया और मतलब लेटेस्ट जो ड्राइवर उसको इंस्टॉल किया, फिर भी गेम जो है क्रैश हो गया। तो मे बी इट्स सम इशू ऑन मतलब हो सकता है गेम जो है इस रिक्वायरमेंट्स में चल नहीं रहा है, इसका ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं कि लो एनपीसी इंटरव्यूजी में ये हैंडल कर पाए, तो सिंपली यही कि सब कारण हो सकता है। तो कुछ बंदे ने मुझे मार्वल एवेंजर्स को टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो सो सॉरी गाइज, आप लोग इस गेम को डाउनलोड ही मत करो अगर आपके पास इंटेल सिस्टम भी 4GB 8GB जो भी रैम है और इंटेल HD ग्राफिक्स पे, तो भी डाउनलोड मत करो। अगर चल भी जाएगा गेम तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10 to 12 FPS आ सकता है, क्योंकि गेम कटसीन्स पे काफ़ी ज़्यादा लैग ही चल रहा था कभी कभार। तो ऑब्वियसली दिस गेम इज़ नॉट प्लेबल एंड नॉट ओपनेबल ऑल्सो बोल सकते हो, मतलब क्रैश हो रहा है ये गेम। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो आज के लिए इतना देन, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड चैनल बना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना और वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।